चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको दिखा देते हैं। क्रिकेट के दीवाने हमारे देश में तीरंदाजों ने भी कम नाम रोशन नहीं किया है, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा क्या हुआ कि ये तीरंदाज परेशान हो गए। ये वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जिसने भारतीय तीरंदाजों की नींद उड़ा दी। वजह बना पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा, विज्ञापन कभी भी मजबूत इरादे और कड़ी मेहनत की जगह नहीं ले सकते। पूर्वी दिल्ली प्रो क्रिकेट के लिए तैयार है। ट्वीट हुआ तो रीट्वीट भी हुआ और तीरंदाज दीपिका कुमारी ने गौतम गंभीर को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। मैं 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में इसी ग्राउंड में खेलकर दीपिका बनी हूँ। तीरंदाजी के इस ग्राउंड को कृपया क्रिकेट ग्राउंड में न बदले। ये एशिया के सबसे बेहतरीन तीरंदाजी ग्राउंड में से एक है, जहां अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी टूर्नामेंट हो सकते हैं। सिर्फ दीपिका ही नहीं, तीरंदाजी सिखाने वाले लोकेश चंद ने भी एक वीडियो में इस फैसले पर सवाल उठाया। और इतना सुंदर, इतना अच्छा ग्राउंड कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको क्रिकेट ही खेलना है तो बहुत सारे दूसरे ग्राउंड है, आप क्रिकेट खेलिए, आपको क्रिकेट खेलने से रोका नहीं है। और कभी हमने नहीं सुना कि ईडन गार्डन में लोगों ने जाके बैडमिंटन खेला हो या फिर फिरोजशाह कोटला मैदान में जाके कुछ इस तरह से अलग एक्टिविटी की हो जो कि उनका पार्ट हो। तो ये बात डेज का तो आता ही नहीं है। ये ग्राउंड आर्चर्स के लिए है, उसको फ्री रहना चाहिए। इसी ग्राउंड में साल 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में तीरंदाजी की मेजबानी हुई थी। ट्वीट विवाद में बदला तो गौतम गंभीर सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा, मैं ये बात साफ कर दूं कि यमुना स्पोर्ट्स ग्राउंड को तब्दील नहीं किया जा रहा बल्कि इसे अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पर पहले की तरह ही तीरंदाजी और दूसरे खेल होते रहेंगे। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे दूसरे खिलाड़ियों को तकलीफ हो। अब गंभीर की सफाई के बाद दीपिका, अतनुदास जैसे खिलाड़ियों ने शुक्रिया अदा किया। ABP News आपको रखे आगे।